डिस्क्लेमर, शिवशंकर मलिक एच डी ब्लॉग डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सब फिश लवर भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये वाला जो पेंटिंग है ये भाई ने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक महीने तक दोस्तों उन्होंने ये पेंटिंग किया था। तो भाई कुछ मछलियाँ लेके जा रहा है और मैं दोस्तों ये पेंटिंग देख के बहुत खुश हो गया था। तो भाई को एक प्यार गप्पी और एक प्यार बेटा मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। तो कौन सा गिफ्ट कर रहा हूँ वो सब वीडियो में आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड दोस्तों संडे के दिन मैंने पैकिंग करके मंडे के दिन डिस्पैच किया था बहुत सारा गप्पी फिश का पार्सल। ऑलरेडी दोस्तों बहुत सारे लोगों का जो पार्सल है वो मिलना स्टार्ट हो गया है। तो वो सभी लोगों में से एक पार्सल जो है वो फट गया था। तो क्या वो सही से पहुँचा था, क्या मछली बीमार हुआ है, वो सब कुछ दोस्तों आगे बताऊंगा। और कुछ कुछ दोस्तों लोगों के गप्पीज के जो पैकेट भेजा था उस पैकेट के अंदर ही उन्होंने बच्चा दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक जन का जो पैकेट है उसके अंदर 24 पीस बच्चा एक फीमेल ने दे दिया है। तो कितना लोडेड मैंने भेजा है वो आप लोग देखोगे आगे। और वो सब लोगों ने किस तरीके से टैंक से रख करके रखा है सब गप्पीज को, वो सब दिखाऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो दुर्गा पूजा आज आ चुका है, आज पंचमी है, तो सभी लोगों को दोस्तों शुभ शारद दिया। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे ये पेंटिंग को। और ये पेंटिंग को ये दादा मेरे को लेके दिया है, मतलब दादा नहीं, एक्चुअली इसको भाई बोलना चाहिए क्योंकि ये अभी क्लास 10th में पढ़ता है। और तो देखो दोस्तों ये जो भाई है ये पेंटिंग को बनाने के लिए एक महीने तक दोस्तों डेडिकेशन से बनाया है, समझ सकते हो। एक महीने तक दोस्तों पेंसिल से चारकोल से ये वाला पेंटिंग इन्होंने बनाया है। ऑलरेडी दोस्तों एक और दादा ने मेरे लिए एक पेंटिंग बनाया था, मेरा एक पूरा फोटो का, ये नील भाई ने भी बनाया है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे जैसा एक फालतू लोग का पेंटिंग बना के मेरे को गिफ्ट कर रहे हो। मैं मतलब कभी सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे इतना भी मैं आप लोगों के साथ घुल मिल जाऊँगा, इतना मैं आप लोगों के साथ एफर्ट करूँगा कि मेरे को आप लोग पेंटिंग बना के गिफ्ट करोगे। बड़े बड़े यूट्यूबर को मैंने देखा था, मनोज दे, आशीष चंचलानी, बीबी के वाइन को ऐसे गिफ्ट करता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी कोई ऐसा गिफ्ट करेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये सब गिफ्ट करने के लिए। और इस टाइम पर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे तो इसीलिए मैंने इस तरीके से पोस्ट किया हुआ है। तो नील भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये वाला पेंटिंग मेरे को गिफ्ट करने के लिए, और एक महीने तक उन्होंने वक्त दिया है, बहुत बहुत ही शुक्रिया। और नील दादा का भी एक दोस्तों चैनल है, मतलब चैनल का जो लिंक है वो मैं फास्ट कमेंट पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चलो फास्ट कमेंट पे तो मेरा सेकंड चैनल का मैं पिन करता हूँ, तो फास्ट कमेंट पे मेरा सेकंड चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाकर आप लोग सब्सक्राइब करो। और डिस्क्रिप्शन पे दोस्तों नील भाई का जो चैनल है वो मैं पिन करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पर जाके देख लो। और नील भाई जो है वो अपना मुँह दिखाने में थोड़ा सा शर्मा रहा था, मगर अपने वीडियो में वो मुँह देखा था, ठीक है। ये देखो ब्लॉग बनाने के लिए आया था मेरे फार्म पर, तो उन्होंने एक ब्लॉग भी बनाया है जब मेरे घर पे आ रहा था, पूरा दोस्तों व्लॉग वगैरह बनाया है। 130 सब्सक्राइबर उसके चैनल पे है। मेरे चैनल से जो लोग हो थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई को। और यहाँ पे देखो कौन सा गप्पी मैंने उनको गिफ्ट किया है, तो एक प्यार गप्पी और एक प्यार बटरफ्लाई बेटा मैंने गिफ्ट किया है। और यहाँ पर फीमेल बेटा है, मेल बेटा भी उधर है दोस्तों। ऑलरेडी नील भाई के बैग में कुछ मैंने मछली भी डाल दिया है, तो ये सब मछली हम लोगों ने दे दिया है। और जैसे कि वाटर प्लांट है वो मैंने फ्री में ही दिया है, सब लोगों को ही फ्री में देता हूँ। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग का। तो अनबॉक्सिंग का सबसे पहले दोस्तों ये 2 kg वाला बॉक्स है। तो 2 kg वाले बॉक्स में मैंने प्लांट भेजा था, ये देखो प्लांट थोड़ा सा चिपक गया है, मतलब पैकेट में से हवा थोड़ा सा निकल गया है, मगर प्लांट्स जिंदा है। मगर दोस्तों ये जो मछलियाँ है, मछली के पैकेट में से बिल्कुल भी हवा निकला नहीं, आप लोग देखो मैंने जिस तरीके से टाइट पैकिंग करके भेजा था उसी तरीके से टाइट पैकिंग करके मछली गया है। तो सभी मछलियाँ पूरे अलाइव है। और जिस दादा का दोस्तों मछली ने पैकेट के अंदर बच्चा दिया है, वो भी 1 या 2 पीस नहीं दोस्तों, 24 पीस, तो वो भी आगे दिखाऊंगा। मतलब दादा ने कितना ऑर्डर किया था, 5 PR का पैकेज या फिर 2 PR का पैकेज याद नहीं है, मगर सोचो आप लोग 4 या फिर 6 मछली ऑर्डर कर रहे हो, आप लोगों को 24 पीस उसमें बच्चा मिल रहा है, तो कितना बढ़िया होगा। तो दादा का दोस्तों ये टैंक सेटअप भी देख लो, टैंक सेटअप भी दादा ने किया है।
तो दादा का ये जो प्लांटेड टैंक है बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। आप लोग देखो कितना सारा प्लांटेड टैंक है और बहुत सारा प्लांट इन्होंने यूज़ किया है। तो आप बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड अनबॉक्सिंग की तरफ। तो सेकंड वाला ये जो अनबॉक्सिंग है इनका ही बॉक्स आज से डैमेज हुआ था, नीचे की तरफ से थोड़ा सा फट गया था, जैसे कि स्टार्टिंग पे आप लोगों को फोटो दिखाया था। मगर कोई भी मछली दोस्तों डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जो पैकिंग करता हूँ उसमें से मछली का पैकेट आप अगर खड़े भी हो जाओगे पैकेट के ऊपर तो फटेगा नहीं, तो इसीलिए मेरा जो पैकिंग है उसके अंदर मछली पूरा अलाइव था। और बहुत सारे लोगों के पैकेट के अंदर दोस्तों उनको बच्चा मिला है, क्योंकि मैंने जो जो गप्पी भेजा था वो सब गप्पी थोड़ा बहुत लोड था, मेरे को पता नहीं था कि इतना भी बच्चा देने वाला है, मगर मैंने भेज दिया था तो बहुत सारे लोगों को पैकेट के अंदर ही बच्चा दे दिया है। और टोटल दोस्तों शायद से मैंने 38 बॉक्स भेजा था, उसमें से 21 लोगों का मतलब 21 बंदों के पास मछली पहुंच चुका है। तो 21 बॉक्सेस का अनबॉक्सिंग मैं तो वीडियो में दिखा नहीं सकता, तो आधे घंटे का एक शॉर्ट फिल्म बन जाएगा, तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को दो चार लोगों का अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन पे अनबॉक्सिंग लिख के स्पैम करोगे तो हर एक बंदे का अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं दूंगा, क्योंकि हर एक बंदा ने वीडियो बना के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तो जो लोग अभी तक देख रहे हो वीडियो में कमेंट सेक्शन पे आप लोग अनबॉक्सिंग लिख दो, ताकि दोस्तों मैं अगर अनबॉक्सिंग का कॉमेंट ज़्यादा देखूँगा तो आप लोगों को ये मैं वीडियो बना दूँगा। एंड मेरे बैकग्राउंड पर आप लोगों को कुछ गाना वगैरह सुनाई दे सकता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूज़िक मैंने खुद लगाया है, बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोस में बहुत सारा दुर्गा पूजा होता है तो वो सब गाना अभी बज रहा है, क्योंकि अभी पंचमी है, हमारा बंगाली का सबसे बढ़िया सबसे बड़ा जो त्यौहार है, सबसे बड़ा ओकेशन है दुर्गा पूजा। मगर दोस्तों इस बार शायद से मैं उतना ज़्यादा घूमने के लिए निकलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा चैनल डिलीट हो गया है तो थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, तो उतना मज़ा मेरे नहीं है, पहले की तरह उतना मज़ा नहीं है मेरे में। तो देखते हैं दोस्तों चैनल तो वापस आ ही जाएगा, आप लोग सपोर्ट करते रहो चैनल आ जाएगा। बाकी देखो दोस्तों इन दादा ने किस तरीके से टैंक सेटअप करके गप्पीस को रखा हुआ है। तो अभी दोस्तों आप लोग देखो थर्ड वाला जो अनबॉक्सिंग है, तो हर एक बंदे के बॉक्स पे दोस्तों मैंने लाइफ प्लांट भेजा था। और हाँ, इस बार मेरे को एक चीज़ में भूल गया था, जो डाफनिया होता है लाइव डाफनिया कल्चर, वो मैं भेजना भूल गया था। अब बहुत सारे लोगों ने बोला दादा मेरा डाफनिया कल्चर नहीं आया ये वो, तो देखो भाई उसका तो मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, मगर कुछ लोग बोल रहे थे कि दादा पैसा नहीं ले रहे हो, पैसा लो मगर हम लोगों को कॉन्फर्म भेजो। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों मैं भेजने की कोशिश करूँगा, इस बार मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था भेजने के टाइम पे, सुबह के टाइम पे दोस्तों लाइफ जो प्लांट होता है वो ढूंढने में ही टाइम निकल गया था, तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों जिन लोगों का भी पैकिंग करूँगा सभी के बॉक्स में मैं डाफनिया कल्चर और लाइफ प्लांट साथ ही में आलमंड लीफ भेजूँगा। आलमंड लीफ तो मैंने मैक्सिमम लोगों के बॉक्स में भेजा है, सुबह का टाइम पे जिन लोगों का पैकिंग हुआ था उन सब लोगों का कुछ भेजना मैं भूल गया था, क्योंकि सुबह का टाइम पे बहुत जल्दबाजी में था, ऊपर से कुरियर ऑफिस पे गाड़ी भी आ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, इधर उधर हो गया था। मगर मछली का जो पैसा मैंने लिया था वो सभी का पूरा पूरा गया है, कुछ कुछ लोगों का तो दोस्तों बॉक्स में जगह था खाली, तो मैंने कुछ कुछ मेल फीमेल गप्पी एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो आप लोग कमेंट करना दोस्तों किस किस के पास गप्पी फीस पहुंच चुका है, गप्पीस का क्वालिटी कैसा था, साइज़ कैसा था, मेरे को ज़रूर से कॉमेंट करके बताना, क्योंकि दोस्तों मैं पूरा जो बच्चा गप्पी होता है बहुत सारे लोग भेज देता है, मैं वैसा नहीं करता हूँ, मैंने जो गप्पी भेजा है दोस्तों लोडेड गप्पी भेजा है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोडेड, मगर कुछ कुछ गप्पीस ने दोस्तों पैकेट के अंदर बच्चा दिया है। टोटल 21 बंदों का जो बॉक्सेस है उनको मिल गया है, 21 में से दोस्तों 12 जन का जो पैकेट है उसके अंदर दो चार फीमेल ने बच्चा दिया है, मतलब सभी ने 5 पेयर 4 पेयर 3 पेयर करके मंगवाया था, तो सभी के बॉक्स में एक ना एक फीमेल ने बच्चा दिया हुआ है। तो अभी दादा काउंटिंग कर रहा है। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे से मछली लेते हो वीडियो करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग लेटा के वीडियो करना, मतलब लेटा के वीडियो करने का मतलब है वो नहीं जो आप सोच रहे हो, मैं फ़ोन को लेटा के वीडियो करने की सोच बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली नहीं, आप लोग वर्टिकली इस तरीके से जो देख रहे हो ना इस तरीके से लेटा के वीडियो करना। अब इससे क्या होता है दोस्तों, ये दादा ने पूरा सीधा करके वीडियो बनाया है, तो खड़ा करके फ़ोन को वीडियो किया है, तो उसमें क्या है मेरे को इस तरीके से वीडियो को ही लेटा देना पड़ रहा है, इससे वीडियो देखने में आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। तो आप लोग सीधा सीधा वीडियो करो, ताकि जो लोग देखेगा वीडियो को आगे उन लोगों की थोड़ा सा आसानी रहे। तो दादा अभी अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहा है, और दादा का टैंक सेटअप एक बार देखना दोस्तों, उन्होंने पूरा मतलब प्लांटेड ऊपर से भर के उसमें मछलियाँ रखा हुआ है, तो देखो ये दादा का प्लांटेड टैंक है।
ये दो टैंक है, दोनों टैंक पे शायद दादा रखेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये वाला तो एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के आप लोगों को अपडेट कर दिया, क्योंकि आज मेरा बहुत सारा काम है। नया मैंने एक फ़ोन भी लिया है, उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो आने वाला है। कौन सा फ़ोन लिया है आप लोग गेस करो, और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो न्यू फ़ोन लिख के कॉमेंट सेक्शन पर स्पैम कर दो।